ऐसा ही है रास्ता, थोड़ा बहुत गांव का ऐसा, आप लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जल्दी आना, कुछ नहीं होगा। जैसे रूम तो जाते बैलेंस राशन आवड़े हो या भावड़े 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 चलो। और मैं ऐसा ही यहाँ वहाँ ब्लॉग बनाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आने वाले दिन में यूट्यूब से भी मैं कुछ कर पाऊँ। चाहता हूँ कि मैं भी यूट्यूब से कुछ कर पाऊँ। आप लोग मुझे भी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग मुझे भी सपोर्ट करोगी, तो मुझे ऐसा ही प्यार दिखाना मुझे भी, क्योंकि बहुत मुश्किल से आ रहा हूँ भाई साहब, मुश्किल से। मैं ना ज़्यादा ये दुख का बात ज़्यादा नहीं करता ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग तो ब्लॉग जैसा ही होना चाहिए, ज़्यादा ऐसा ही दुख दर्द वाला नहीं है। तो इसीलिए ना मैं ज़्यादा दुख दर्द वाला मैं कहानी नहीं करता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और आज के ब्लॉग शुरू हो रहा है सीधा का सीधा बेड से। अभी है मॉर्निंग का टाइम अभी ऐसा ही मॉर्निंग का 12:30 बज चुका है। और जो भी हो, दो लॉन्डो अपने यहाँ पर लेट रखा है, जो कि चूहा का बच्चा है। हेलो कर दे गर्लसन मिंगमा, सालो पता ना पता, गुड मॉर्निंग मन मनी गोला पेशर आज बनाए तब, गुड मॉर्निंग बोलो रे हम्बो। मैं सच में ये भी डाल दूंगा। सो आज का हमारा प्लान है, आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बस्ती की ओर, यानी कि अपने घर की ओर निकल रहे हैं। सो अभी ऐसा ही फिलहाल मैं अभी यहाँ से बोजोगाड़ी में हूँ, बोजोगाड़ी से भी मैं जा रहा हूँ चंदमारी में जाके ऐसा ही थोड़ा बहुत कपड़े उठाते और निकलते सीधा। मेरे साथ जा रहा है एक दोस्त तेंजिंग, और ये दोनों भी जाएगा स्कूटी में अपना गाँव। सो काफ़ी दिनों के बाद मैं जा रहा हूँ अपना गाँव, सो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं चंदमारी आके भी यहाँ पर ऐसे ही कपड़े वगैरह धो के खाना वाना खा लिए, और अभी मैं यहाँ से निकलने वाले हूँ, और दो दोस्त वैसे निकल चुके होंगे बोजोगाड़ी से। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ रोड पे, और अपना पंटू यहाँ पर है, मैंने कल ही धो के मस्त से रख दिया था इसको। तो सही, अभी देखो यहाँ पर बारिश भी हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पर। और अभी जाते वक्त नीचे रास्ते में बारिश ना हो, सो अभी दोस्त लोग नीचे पहुँच चुके हैं, फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ बदर वाली लाइन पर, और मेरा एक दोस्त था ना इतना ज़्यादा देर कर रहा है, अभी उनके वजह से शायद मेरा अभी यहाँ पर चलान भी हो सकता है, क्योंकि इतना लेट कर दिया। ऊपर से अभी बारिश भी हो रहा था ऊपर, तो अभी यहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है। अरे ये देखो, ये आज जितने भी लेट हुआ है ना, ये बंदों की वजह से हुआ है साला। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं सिंगताम, और अभी हम लोग यहाँ पर फ्यूल भरवा रहे हैं। 500 रुपये का फ्यूल डलवाया था, फुल हो चुका है। मैंने आज कितना ज़्यादा गुस्सा की यहाँ पर स्पॉन्सर साहब को, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आज तेल इन्होंने लगाया है, धन्यवाद दिल से। अभी अपना दो लॉन्डो सिंगताम पहुँच चुके हैं, सो उन लोगों से वहीं जाके मिलते हैं फिलहाल। सो दोस्तों अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर नींबू पानी पीने के लिए, और हमने ना अभी थोड़ा बहुत ऐसा शॉपिंग की, जो कि सब्जी वगैरह खरीद के हमने ना गाड़ी पर लगा के अभी भिजवा दिए हम लोग अभी यहाँ। ऐसे में बड़ा सख्त लॉन्डाउन से धीरे आहिस्ते से मिलेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पर नींबू पानी खाने के लिए आए, सो अभी नींबू पानी पीते हैं, जो कि यहाँ पर दुई कप बनाई दिनुहोस् न ल चट्टा लगाएर पिरो पर अमिलो हजुर चट्टा हुन्छ लगाइदिनुहोस् न मजाले। सो अभी चेन्जिङ यहाँ पर मुँह धो रहे हैं, जो कि कहाँ पर है यहाँ पर, हेलो हो सही है मुख धोको मलाई पनि थिच्दैन त अन्त मुझे भी थोड़ा निकाल दिए वाह काफ़ी शीतल सा हो रहा है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना। सो अभी चलो नींबू पानी पीते हैं, तो यहाँ पर नींबू पानी लग रहे हैं गर्मी गर्मी मौसम में नींबू पानी पीना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। सही है, अच्छा है। सो दोस्तों फाइनली लाखपा भी आ चुके हैं यहाँ पर, सही अभी गैलचमिंग यहाँ पर है, और ये अभी यहाँ पर मोमो ठूस रहे हैं। सही, हम लोग यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत ऐसा ही लंच करें, और लंच करके हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो दोस्तों हमारा मस्त मोमो सोमो भी हो चुका है, और नींबू पानी भी हो चुका है, हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं सिंगताम से। सो ये दोनों आगे जाएगा स्कूटी पे, और हम दोनों यहाँ से बाइक पे। सो गाइस हमने यहाँ पर छोटी सी ब्रेक ली है मूत्र विसर्जन के लिए, और हमने ना यहाँ पर जूस लेके आए हुए थे, जूस पी रहे थे अभी, ये दोनों यहाँ पर स्प्राइट पी रहे थे अभी, ये लोग आगे निकल रहे हैं, और देख सकते पूरा का पूरा पसीने से बिक चुके हैं हम लोग। टेंजिंग तुम्हें कैसा आ रहा है? किसी गर्मी में मजा आ रहा है। सही, अभी ये तो पहले पैन के आ रहा था, अभी देखो ये पूरा चड्डी में, तो इसीलिए इनको ठंडी कूल हवा खाते हुए जा रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से मोटो ब्लॉग शुरू करेंगे, आप लोग इन्जॉय करना। सो अभी इतनी गर्मी में इतना टाइम भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं मोटो ब्लॉग बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद में बना रहा हूँ। सो सही, अभी हम लोग निकल चुके हैं अपने गाँव के लिए, हम लोग अभी आधा रास्ता पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ से 10 मिनट और माखला
यानी कि माखा, माखा से उसके बाद हम लोग सीधा पहुँच जाएंगे गाँव, और उसे हमारा ना अभी गाँव का रास्ता बना रहा है। सो जाके देखते अभी कितना तक काम हो चुका है, जहाँ तक मुझे लग रहा है क्योंकि अभी बैक कटिंग ऐसे हो रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कीचड़ ही हो सकता है क्योंकि अभी वैसे अभी तो बना रहा है ना। जब ये मेन रोड हमारा गांव तक पहुंच जाएगा ना तब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी हमारा दो लौंडा आगे निकल चुका है, तो फिलहाल अभी मैं भी निकल रहा हूँ, और जो आज मेरे बाइक के पीछे बैठा हुआ है ना वो मेरा सबसे बड़ा जिंदा है। जिंदा आप लोगों को सिंपल भाषा में समझा दूँ, ये मेरा पीछे जो बैठा हुआ है बंदा, ये मेरा एटीएम है। हाँ तो जी हो गया ना, हाँ हो गया ना, हाँ तो मेरे एटीएम हो गया ना बंदा ये बोल रहे हैं नहीं नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा लग रहा है, मैं सच कह दूँ ये बाइक खरीदते वक्त जो थोड़ा बहुत पैसा ना मेरे पास नहीं था और मैंने इनसे ही उधार मांगा था मैंने, तो अभी आधा 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 अवधि मैं दे चुका हूँ, अभी आधा तक बचा हुआ है पैसा देने के लिए। और ये फ़ोन से मोटो ब्लॉग बनाना आसान नहीं है गाइस, आसान नहीं है क्योंकि ये ना फ़ोन भारी होने की वजह से ये थोड़ा बड़ा हेलमेट को नीचे खींच देता है, क्योंकि ये गोप्रो की तरह हल्का नहीं होता है, उसके ऊपर से ये फ़ोन वैसे वीडियो के जो जब हम लोग वीडियो करते हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा जूम हो जाता है, इसीलिए ना ये मुझे जहाँ तक लगता है ये यहाँ आगे रोड से दिख रहा होगा आगे, तो ये यहाँ पर ये पूरा कपड़ा मैं जो हैंडल संभाल रहा हूँ ये सब नहीं दिखेगा क्योंकि ये फ़ोन से एक्स्ट्रा जूम हो जाता है। अगर गोप्रो होता ना ये यहाँ टैंकी से लेके ये पूरा का पूरा हाथ वगैरह रोड वगैरह सब दिखेगा, ताकि आप लोगों को भी लगेगा कि हाँ सच में ही मोटो ब्लॉक है। मेरे पास अभी गोप्रो तो नहीं है इसीलिए मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ। और अभी सिक्किम में ना कल से ही थोड़ा बहुत ऐसा ही धूप लगना शुरू हुआ है, नहीं तो पहले एक हफ्ते ज़्यादा हो गया होगा शायद ही, इतना ज़्यादा बारिश आ रहा था, इतना ज़्यादा बारिश आ रहा था। अभी भी रात में तो आएगा, क्योंकि अभी आएगा भी ज़रूर क्योंकि अभी तो एक बारिश आने का समय ही है, और गांव में जाके हमारा भी सही काम भी है थोड़ा बहुत काम, यानी कि अभी ऐसा ही गाँव में वो धान खेती पाती करने का काम चल रहा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कल से हमारा भी गदा का काम शुरू हो जाएगा, भी अपना साथ दो लौंडों भी उनको भी जाके मस्त से गदा खटाई करेंगे, ये गदा को जिंदगी का ही पारना है उन्हें लसो। हाँ यही है हमारा ड्राइवर का भाषा, यही है हरन लगा दो बस। देखो लोग यहाँ से फूल जीत रहे हैं कंची होगी कान सा थका सा जाऊँ धीरे धीरे आना भाई और बहनों, हम लोग पहुंच चुके हैं तानाका पुल, ये जगह है तानाका पुल, और अभी यहाँ से होगा हमारा असली एडवेंचर। सो सही है चलो रे, और ये नीचे देखो नदी पूरा का पूरा काला आ रहा है क्योंकि कहीं पे अभी तो ऐसे पानी का समय लैंडस्लाइड हो रहा होगा आगे आगे। सो यहाँ पर हम लोग रुकेगा ना रुके कोई, चलो चलो सीधे चलते हैं। ये देख सकते ये साइड साइड में गोटी वगैरह यानी कि पत्थर वगैरह गिट्टी वगैरह लेके आ रखा है, रोड बनवाने का काम चल रहा है सही। अभी ये आगे वाले जो दोनों है इन लोगों का पिन देखना, हमारे गांव पहुँचते पहुँचते साला ये बंदर के जैसा हो जाएगा पूरा का पूरा लाल लाल। ओ सही है बना सकते नहीं भाई, ओ भाई साहब ये वाले भी नहीं था, अभी ये वाले बना लिया है, क्या बोल रहा हूँ ये वाले क्या है मजाक है। और ये आगे देख सकते हो रास्ता ऐसे बनाने का काम तो सर। सो हम लोग यही चाहते हैं फटाफट से ये हमारा गाँव का रास्ता बन जाए, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि ऐसे वाले कीचड़ वाले रास्ते में चले और चलाएं। देखो अभी कितना मुश्किल से जा रहे हैं, फिलहाल तो रास्ता बन रहे हैं, अभी हम लोग भी धीरे धीरे चलते हैं। इसीलिए ना मैंने जूते पुराना वाला जूते पहन के आया हुआ है क्योंकि मुझे पता है किस तरह का रास्ता मिलेगा हमारे गाँव में, यही चीज़ हमारे गाँव को यूनिक बनाता है ऊपर है ना आगे पूरा का पूरा खराब बन चुका है भाई साहब, ओ ले रे सारा बाइक ऑफ हो चुका है रास्ता देखो रे, ओठ निकल जा निकल जा निकल जा रानी निकल जा निकल जा पंतू, थोड़ा निकलना पड़ेगा रे बाबा। सारा अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरुआत है, सीधा बस मजा आ रही छप्पे नावली बसे मतलब उतारिए क्या ठोटों से निकली उतारिए क्या ठोटों से निकली। सारा
काला मैया हट्टी गाँव, ये भगवान ये कब बन जाएगा रूट हमारा गांव का, कब हम लोग इस वाले रोड पे साला लैम्बोर्गिनी लेके चलाएंगे ऐसे वाले रोड पे। अभी तो अपना पंचू लेके चल रहा हूँ मैं, और आप लोगों को लगता होगा कि मैं हाई फाई हूँ थोड़ा बहुत, ऐसा ही अमीर का बेटा हूँ ऐसा ही लगता होगा। जिस चीज़ को पता है उनको तो नहीं लगता होगा, जिनको पता नहीं है उनको ऐसा लगता होगा कि थोड़ा बहुत हाई फाई ब्लॉग बनाता है, थोड़ा बहुत इसके पास है करके आप लोगों को लगता होगा। तो मेरा रियलिटी यही है, देख सकते हो गाँव जाने वाला रास्ता इस तरह का है, और मेरा घर ना मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले ब्लॉग में कवर अप करूँगा, मेरा घर कैसा है, किस तरह का है, घर में कौन कौन है, कौन रहेगा नहीं रहेगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। कहीं लोगों को तो पता ही होगा वैसे, और कितना मुश्किल से कितना मेहनत करता हूँ मैं। अभी घर में ना साला कोई नहीं है, घर में सिर्फ मेरा माता जी और मेरा एक बहन है, वो उन दोनों चाची के साथ में रहते हैं घर में। वैसे अभी घर अकेले है, घर में कोई भी नहीं रहते, घर में कोई नहा रहने की वजह से ना ये घर पूरा का पूरा बिगड़ते हुए जा रहा है, ऐसा ही दिन दिन है, ऐसा ही चादर वगैरह भी निकाला जा रहा है घर का, यानी कि निकल रहा है, और पानी भी अंदर घर के अंदर टपक रहा है, और उसके ऊपर से घर का जो जितने भी पुराना घर है, सो घर का डिज़ाइन जो है पत्थर का डिज़ाइन जो काफ़ी अच्छा लगाया गया है पहले पहले, अभी तो वो सब भी बिगड़ चुका है, इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। घर पर अभी कोई भी नहीं रह रहे, भाई एक तो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, एक छोटा भाई है वो तो अभी छोटा ही है, और मैं ऐसा ही यहाँ वहाँ ब्लॉग बनाते हुए चल रहा हूँ, ताकि आने वाले दिन में यूट्यूब से भी मैं कुछ कर पाऊँ। आने वाले दिन में मैं यही चाहता हूँ कुछ मैं भी यूट्यूब से कुछ कर पाऊँ, आप लोग मुझे भी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग मुझे भी सपोर्ट करोगे, थोड़ा बहुत ऐसा ही प्यार दिखाना मुझे भी, क्योंकि बहुत मुश्किल से आ रहा हूँ भाई साहब, मुश्किल से। मैं ना ज़्यादा ये दुख का बात ज़्यादा नहीं करता ब्लॉग में, क्योंकि ब्लॉग तो ब्लॉग जैसा ही होना चाहिए, ज़्यादा ऐसा ही दुख दर्द वाला नहीं है, तो इसीलिए ना मैं ज़्यादा दुख दर्द वाला मैं कहानी नहीं करता, तो आज थोड़ा बहुत बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी सब कुछ अभी जैसा है चल रहा है। लेकिन ये अभी इस टाइम जो है हमें काफ़ी ज़्यादा अभी मेहनत करना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा दुख भी है हमें, और अभी देखना ये टाइम जो है हमें काफ़ी कुछ बहुत कुछ सिखा के जाएगा, देखना आने वाले दिन में कुछ तो कुछ ना कुछ तो हम लोग कर पाएंगे, तब जाके ये वाले दिन को भी हम लोग देखेंगे, हाँ मेरा दिन ऐसा भी था करके, है ना। अभी तो साला नल्ले बेरोजगार ऐसा ही घूम रहा हूँ, यहाँ वहाँ डोल रहा हूँ, कोई काम धंधा है नहीं, रास्ता 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 खराब खराब, ये तो लद्दाख हार जाएगा रे बाबा, वो देखो बाइक भी ऑफ हो रहा है, निकल जा निकल जा निकल जा निकल जाएगा निकल जाएगा, हिम्मत रखना दोस्तों हमारे गांव में आते वक्त, बाकी सब कुछ तो चलता रहेगा, गांव का रोड कभी भी नहीं बनेगा, लेकिन तो अभी तो खुश है थोड़ा बहुत, रास्ता बन रहा है, हट दिखाओ वो इस तो ऐसा घिनौना वाला रास्ता, छी 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 छी, ओहो हो हो दोस्तों सुते हो, बाटो त कर्ची मर्ची छ त हौ, हट्छरेगा जस्तो थुचिए तपाईँहरूलाई, त्यही धीरे धीरे करके निकल जाएंगे, धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके, हो भाइ साहब ओ कहाँ गएको, यता यता सुना सुना के भन्नु, बाटो कुन चाहिँ राम्रो छ, यही अँ यही बाटो यही बाटो, बाटो बिग्रेको छैन नि त, के छ बाटो उछिन ल। तो गाइस देखो इन लोगों का यहाँ पर स्कूटी बज चुका है, गैलसिन रिंग में भी वैसे गिर चुका है, इनका पूरा पूरा झीटे भीग चुका है गर्मी में शीतल, मैं तो वैसे ही इसको उतार रहा था और अचानक से इन्होंने लगाया जी साला, पास हो गए रे बाबा। तो दोस्तों हम लोग अभी गांव पहुंचने ही वाले हैं, और हम लोग क्यों ना सोच रहे थे कि यहां से थोड़ा बहुत स्कूटी बाइक वगैरह साफ करके जाए, क्योंकि यहां पर नदी है, यहां से हमें सामने ही पड़ता है, जो कि यहां पर अभी थोड़ा बहुत ऐसा है हम लोग साफ करके जाएंगे, क्योंकि कीचड़ वगैरह होता है। अपना पंटू और चिंकी भी चमक चुका है, तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपना गाँव, काफ़ी महीनों के बाद हम लोग अपना गाँव आ पहुँच चुके, और मेरे साथ दोस्त भी साथ में पहुँच चुके, और देखो अभी मैंने अपना जूते हाथ भी उठा लिए, क्योंकि ये वाले रास्ते से जाना है पूरा का पूरा,
अभी खेत का काम शुरू ही हो रहा है और कल यहाँ पर पूरा का पूरा कल परसों यहाँ पर धान रोपना है। जयसिंह हमारे गाँव कैसा लगा? पंटू है, शाखा पंटू। और सबने देखो अभी जूता हाथ में उतार लिए। चलो रे, ठीक है, ये नया एक्सपीरियंस है। चलो अभी यहाँ से निकलना है धीरे धीरे। चुपला कर ना, पेशर ना बना की साला, ज्यादा अलामत कर, यही कीचड़ में गाड़ के रख देगा। तुम्हें पता भी है तू किसके, तुम्हें पता भी है, बोल ना, तुम्हें पता भी है किसके गांव में? फर्स्ट टाइम देखो ना मुझे। हाँ तो ये जूता सुन दो, उसको पता ही नहीं वो किसके गाँव में आ रखा है साला। तुम्हें पता भी है किसके गाँव में? लॉन्डो बुला के पूरा पूरा पीट पाट के छोड़ देंगे। सो अभी हम लोग फाइनली गाँव पहुँच चुके हैं इतने दिनों के बाद में, और गाँव आते ही देखो खाली खुट्टा नंगे पैर चलना पड़ रहा है हमें। नहीं रास्ता यहीं से, तू इस गांव का, हम इस गांव के साला। ये काफी ज्यादा उछल कूद कर रहे, इसको साला यहीं पर मार पीट करके छोड़ देंगे साला। लहे गोकनमाश लसो, ऐसे ऐसा ये रास्ता थोड़ा बहुत गांव का, ऐसे आप लोगों को थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जल्दी आना, कुछ नहीं होगा। जैसे रूम तो जहाँ से टेक बैलेंस कर रहा है ना। आवड़े ओ या भावड़े। चलो सो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं घर, और जिन जिन को मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है सो देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड, ये है मेरा घर। अभी तक ये भी बिगड़ चुका है और ओरिजिनल पुराना घर ये है। ये दुगोंग गोदाम, ये पुराना और ये महादेव शिव जी ने ये खुद ही घर बना के छोड़ा है। ये है मेरा घर पीछे पे, और हम लोग अभी जा रहे हैं यहाँ चाची के घर पे। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग ना यहाँ पर बैठ के ऐसा ही चिल, अभी क्या बोले, ऐसा ही पीसफुल है यहाँ पर, ऐसा ही टुकियुक वो बैगुता के वगैरह, और उसके बाद ये जो यंग कीड़ा करता करा क्या बोलते हैं करता का कुरु का वो आवाज़ करता है ना, उसके बाद उसके अलावा कुछ भी नहीं आवाज। तो यहाँ पर हम लोग बैठ के ऐसा ही शांति कर रहे थे, लोग यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं। शांति है ना, शांति है। सो अभी फिलहाल हम लोग अभी गांव तो पहुँच चुके हैं, और सही है अभी हम लोग यहाँ पर चाय वाय पी के खाना वाना खा के सो जाएंगे, और कल यहाँ पर थोड़ा बहुत एक दो काम है जो कि यहीं खेत पर है। सही है, अभी नेक्स्ट ब्लॉग का इंतजार करना और अपना ख्याल रखिए। आपकी